आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब सामने आया यस बैंक में घोटाला, 50,000 से ज्यादा निकासी पर रोक, यूपीएस शासन के दौरान हुई गड़बड़ी। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जुटे डैमेज कंट्रोल में, मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। बीजेपी नेता संजय पाठक का बयान, कमलनाथ से नहीं मिला, बताया अपनी जान को खतरा। आईफा पर कोरोना वायरस का ग्रहण, अब बाद में कभी होगा आईफा का आयोजन। और बस्तर में घरेलू उड़ान सेवा को डीजीसीए की मंजूरी, 29 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। आरबीआई ने निजी क्षेत्र की कंपनी यस बैंक पर 50,000 की निकासी की लिमिट लगाई तो उसके ग्राहकों में हड़कंप मच गया। इस बीच यस बैंक संकट पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाता धारकों को भरोसा दिया है कि उनका पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा, बैंक के खाता धारकों का पैसा सुरक्षित है। निर्मला सीतारमण के मुताबिक यस बैंक ने अनिल अंबानी, एसएल ग्रुप, DHFL, वोडाफोन जैसी कंपनियों को लोन दिया जो डिफॉल्ट हुए हैं। ये सभी मामले 2014 में पहले यानी यूपीए शासनकाल के हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यस बैंक पर पाबंदी की कार्रवाई के बाद ग्राहकों में बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि सरकार की ओर से बार बार खाताधारकों को पैसे सुरक्षित रहने का भरोसा दिलाया जा रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यस बैंक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, बैंक ने जोखिम भरे क्रेडिट निर्णय लिए थे। निर्मला सीतारमण के मुताबिक यस बैंक ने अनिल अंबानी, एसएल ग्रुप, DHFL, वोडाफोन जैसी कंपनियों को लोन दिया जो डिफॉल्ट हुए हैं। ये सभी मामले 2014 से पहले यानी यूपीए शासनकाल के हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा, मैंने आरबीआई से आकलन करने के लिए कहा है कि बैंक में इन कठिनाइयों का क्या कारण है, इसके साथ साथ समस्या के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन जिम्मेदार है, उनकी पहचान की जाए। निर्मला सीतारमण ने बताया कि यस बैंक के मामले को लेकर वे मई 2019 के बाद से ही आरबीआई के संपर्क में थी। वहीं सितंबर 2019 से यस बैंक पर सेवी की नजर है। बता दें कि सेवी शेयर बाजार को रेगुलेट करता है। निर्मला सीतारमण के मुताबिक एसबीआई ने हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने बताया कि नया बोर्ड री स्ट्रक्चरिंग प्लान के बाद टेक ओवर करेगा। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। एक तरफ कमलनाथ जहां राजनीतिक दल में सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वहीं दिग्विजय सिंह विधायकों को साधने के साथ साथ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय ने विधायक संजय पाठक को लेकर कहा कि संजय पाठक ने पैसा ज्यादा कमा लिया है, इसीलिए वे भटक गए हैं। वहीं अब भी कमलनाथ सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार किए जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा से पहले राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। वहीं कांग्रेस के एक विधायक के इस्तीफे और कई समर्थक विधायक के तीखे तेवरों ने कमलनाथ सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। अब कांग्रेस नेताओं द्वारा डैमेज कंट्रोल करने की कवायद चल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी राजनीतिक पहचान अलग होनी चाहिए। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों में सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन अगर हमारी राजनीति में भी गिरावट आई है तो आज हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। सबको एक उदाहरण देना चाहिए कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं। राजनीति में सिद्धांतों की बात कमलनाथ शायद विधायकों को पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिद्धांतों की बात करने वाले कमलनाथ सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बहुत से भाजपा विधायक उनके समर्पण में हैं। अब इसके मायने क्या हैं, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, कौन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, ये तो कमलनाथ और उनके मंत्री ही बता पाएंगे। ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ये सेवा की राजनीति करते हैं, तो हमें अपने राजनीति की भी ऐसी पहचान बनानी है देश में, जहां मैं ज्यादा नहीं कह रहा इसमें, ऐसी पहचान बनानी है जहां हमें गर्व होए, ऐसी पहचान बनाए कि हम अपने देश में जहां भी जाए हम अपनी छाती ठोक के कह सकें हम मध्य प्रदेश से आए हैं। यह हमारा लक्ष्य है।
हॉस्टेडिंग की खबर को चर्चा में लाने और कांग्रेस के लिए संकट मोचन के रूप में प्रस्तुत कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक संजय पाठक को लेकर कहा कि संजय के पिता उनके मित्र थे, उन्होंने ही संजय को जिला परिषद का अध्यक्ष बनवाया था। अब संजय ने पैसा खूब कमा लिया है, इसीलिए वे भटक गए हैं। दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उधर दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए संजय पाठक ने कहा कि दिग्विजय सिंह से ज्यादा मैंने पैसे नहीं कमाए हैं, उन्होंने व्यापार से पैसा कमाया है, अवैध धंधे से नहीं कमाया। संजय पाठक के पिता सत्यदेव पाठक मेरे निजी मित्र, जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर के अध्यक्ष थे, जिनमें प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व मेरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर। संजय पाठक को हमने ही जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया, ये हमारा ही मित्र का बेटा है। ये असल में पैसे वैसे मामले में ज्यादा कमाई इसने कर दी। मैंने उनसे ज्यादा तो पैसा नहीं कमाया, पहली बात। दूसरी बात, मैंने व्यापार से पैसा कमाया, ट्रांसफर पोस्टिंग से नहीं, शराब माफियाओं से नहीं, रेत माफियाओं से नहीं, किसी अवैध धंधे से नहीं। और जो व्यापार मेरा है वो किसी वर्तमान की पिछले 10-25 सालों की सरकार ने नहीं दिया है। 1952 में अप्लाई की थी, 1954 में स्वीकृति हुई थी मेरी खदान, और 1956 से वो खदान चल रही है। हॉस्टेडिंग की खबरों के बीच बीजेपी विधायक संजय पाठक ने अपनी जान को खतरा बताया है। संजय पाठक के बारे में इस तरह की खबरें आई थी कि गुरुवार की रात चुपचाप उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से बातचीत की। इसके बाद संजय पाठक ने इन खबरों को गलत बताया और कहा कि मैं कल रात किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिला। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक ने कांग्रेस के नेताओं, खासकर गुरुवार की रात मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने की अटकलों का खंडन किया है। उन्होंने कहा उनको लेकर मीडिया में भ्रामक खबरें चल रही हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच भाजपा विधायक संजय पाठक ने कहा कि मैं भाजपा में था, भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा, सियासी कारणों से मेरी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा राजनीतिक लाभ के लिए मेरी हत्या भी करा सकते हैं। मीडिया के साथियों, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया करके मेरे विषय में जो कल से भ्रामक समाचार आप लोग फैला रहे हैं उसको फैलाना बंद कर दें, गलत मत दिखाएं। आपके ऊपर जनता विश्वास करती है, भारत के आप चौथे स्तंभ हैं, आप जो दिखाते हैं लोग उसके भ्रम में पड़ जाते हैं। आप कल से लगातार दिखा रहे हैं कि मैं किसी वरिष्ठ नेता के यहाँ, मध्य प्रदेश के किसी दिग्गज के यहाँ उनके बंगले में मिलने गया, ये पूर्णतः असत्य पर आधारित है। और जो वीडियो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं कि सर छुपा के जो निकल रहे हैं संजय पाठक है, तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ भाई साहब, आप सभी लोग मीडिया के सभी साथी मेरे मित्र हैं, पिछले 2500 साल से मेरे साथ उठना बैठना खाना पीना साथ में रहा हमारा आपका, आप तो मेरे शरीर के हर अंग को पहचानते हैं। कल जो आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं कि सर छुपा के संजय पाठक निकला है, और जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं उसमें कलम नहीं है क्या? मैंने रात भर में कलम बढ़ा ली? पता नहीं किसकी फोटो दिखा के आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं कल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिला, मेरा साला भर्ती है, मैं उसको हैदराबाद में उसका मेजर ऑपरेशन होना है, और मैं उसके जीवन मरण के संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, मैं उसमें अपने पारिवारिक परिस्थितियों में परेशानियों में फंसा हुआ हूँ। कृपया कर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं, मैं किसी से नहीं मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। अब मेरे साथ जो हो रहा है पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, कम से कम मेरी हत्या ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ फायदे के लिए ये लोग मेरे को कहीं मार के भी फेंक सकते हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप कृपया कर भ्रम ना फैलाएं। मैं ना किसी से मिला, ना कहीं गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा, और आने वाला समय सब बहुत अच्छा होगा। आप सबको एक बार फिर से निवेदन है, कृपया करके किसी प्रकार का भ्रम अगर आप लोग के दिमाग में है तो उसको निकाल फेंकिए। धन्यवाद। गुरुवार की रात मुख्यमंत्री निवास पर कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले। मध्य प्रदेश में उठे सियासी तूफान से कमलनाथ इस समय संकट में हैं। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। ऐसे में कमलनाथ बीजेपी के विधायकों को अपने पक्ष में कर उनके इस्तीफे करवाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में खबर आई है कि बीजेपी विधायक संजय पाठक भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद सीएम हाउस से निकलते हुए एक संजय पाठक जैसा व्यक्ति कैमरे में कैद हुआ। सच जो भी हो सामने आ ही जाएगा, फिलहाल तो संजय पाठक को सफाई देना पड़ रही है। गरीब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के ड्रीम आईफा अवार्ड पर कोरोना वायरस का ग्रहण लगता नजर आ रहा है। आईफा अवार्ड का आयोजन इंदौर और भोपाल में होना था, अब ये आयोजन बाद में कभी होगा। दुनिया के बड़े हिस्से में फैल चुके जानलेवा कोरोना वायरस का प्रभाव फिल्म उद्योग पर भी पड़ा है। 21 मार्च को भोपाल में
व 27-29 मार्च को इंदौर में पहली बार आयोजित होने वाले इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड समारोह टल गया है। इनकी नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में आईफा अवार्ड को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। हाल ही में आईफा में नॉमिनेट होने वाले फिल्मों की घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ ही इसका इनविटेशन भी सामने आया था। सूत्र बताते हैं कोरोना से ज्यादा कांग्रेस सरकार के भीतर की राजनीति भी इसके लिए जिम्मेदार है। अधिकांश कांग्रेस नेता भी दबी जुबान में इसे मध्य प्रदेश पर जवरिया बोझ बता रहे हैं। इधर इस मसले पर मुख्यमंत्री कमलनाथ भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दुनिया भर के कलाकारों को इकट्ठा करके करोड़ों और अरबों रुपए उस पर खर्च कर रही है, वही किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा, तो मध्य प्रदेश में हाहाकार था जनता के प्रति। इसलिए राजनीतिक कोरोना वायरस मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए नाम कुछ भी लिया हो कि फलाने वायरस के कारण हमने ये जो है आईफा अवार्ड को निरस्त किया है, बल्कि ये राजनीति का जो आईफा अवार्ड चल रहा है इस समय मध्य प्रदेश में उसके कारण हुआ है। और इसके लिए मैं सरदार हरदीप सिंह डंग साहब को भी बधाई दूंगा कि उनने जो चिट्ठी लिखी है त्यागपत्र की, उसके कारण राजनीति में कई आईफा अवार्ड अब कोरोना वायरस की तरह निरस्त होंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ आईफा के जरिए मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बात कर रहे थे। वे भूल गए थे कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले ही मध्य प्रदेश की देश दुनिया में पहचान है। इस कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से जुटी हुई थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें वर्ष 2020-21 के बजट को अनुमोदन दिया गया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि बजट को लेकर आपके जो भी सुझाव हो वो दे दें। इसके अलावा बजट सत्र में प्रस्तुत होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को भी अनुमोदन दे दिया गया। राज्यपाल लालजी टंडन 16 मार्च को विधानसभा में अभिभाषण देंगे। इस बार मध्य प्रदेश का बजट 2,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। कैबिनेट में बजट का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि राज्यपाल लालजी टंडन के सचिव मनोहर दुबे को ओएसडी के पद पर संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। सीएम हेल्पलाइन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि आगामी 5 साल तक के लिए निरंतर रखी जाएगी। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि राम वन गमन पथ बनाया जाएगा। ट्रस्ट के सचिव मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, जबकि सचिव मुख्य सचिव रहेंगे। इसमें अध्यात्म संस्कृति और पर्यटन विभाग के मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी सदस्य रहेंगे। राम वन गमन पथ चित्रकूट से अमरकंटक तक दोनों ओर बनेगा। इसके सर्वे के लिए आदेश पूर्व में दिए जा चुके हैं। कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में अडानी पावर लिमिटेड से 4.79 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1320 मेगावाट बिजली लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के जो गवर्नर साहब हैं टंडन जी, उनके ओएसडी आदरणीय दुबे जी, आदरणीय मनोहर दुबे जी को संविदा नियुक्ति दे दी गई है और पूर्व की तरह ही वो ओएसडी का काम गवर्नर हाउस में गवर्नर आदरणीय महामहिम टंडन जी की उसमें वहां पर रहेंगे, वो सेवा में उनको मदद करते रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से घरेलू उड़ान सेवा को डीजीसीए की मंजूरी मिलने के बाद अनुबंधित कंपनी एयरलाइंस के विमान परिचालन का सफल ट्रायल हुआ। इसी के साथ ही टिकट काउंटर समेत स्टाफ की तैनाती की गई। एयरलाइंस द्वारा एटीआर 72 विमान के लैंडिंग व टेक ऑफ का ट्रायल यहां किया गया। इस दौरान आसमान पूरी तरह साफ था और बहुत ही स्मूथ लैंडिंग एयर स्ट्रिप पर हुई। सफल ट्रायल के बाद अब 29 मार्च से जगदलपुर एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। रायपुर से एयरलाइंस के विमान ने जगदलपुर एयरपोर्ट पर लैंड किया। विमान में एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसर सवार थे। बस्तर कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली, जगदलपुर एयरपोर्ट के प्रभारी अफसर भौमिक और राठौर, मैनेजर एटीसी अखिलेश जोशी, एटीएस के ही पुलबामी चौधरी, मैनेजर सीएमएस विश्वजीत दास, कनिष्ठ कार्यपालक सीएमसी अभिषेक कुमार, एजीएम इलेक्ट्रिकल प्रशांत फुलझर व अन्य अफसरों ने एयरपोर्ट का निरीक्षण कर यहां उपलब्ध सेवाओं का जायजा लिया। जगदलपुर से विशाखापट्टनम, हैदराबाद समेत राजधानी रायपुर तक नियमित उड़ान सेवा की
योजना बरसों पूर्व से बनाई जा रही है, लेकिन डीजीसीए के मानकों के अनुरूप एयरपोर्ट पे संरचना विकसित नहीं हो पाने और बार बार आपत्तियों के चलते यह योजना 2 साल से अटकी हुई थी। प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट का उन्नयन भी करवाया गया है। निर्देश के अनुरूप रनवे की लंबाई बढ़ाई गई है, वहीं 4 दीवारी की ऊंचाई भी बढ़ाई गई है। हाल में जारी बजट में सरकार ने यहां आधुनिक ATC निर्माण की मंजूरी दी है। DGCA की ओर से लाइंस जारी होने के बाद अब नियमित उड़ान का रास्ता प्रशस्त हो गया है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार आगामी 29 मार्च से एयर एलायंस का 70 सीटर विमान यहां से उड़ान भरेगा। काफ़ी समय से यह सुविधा शुरू होने वाली थी और बस्तर के लोगों को काफ़ी उम्मीद भी था कि यह सेवा जब शुरू की जाएगी तो काफ़ी फायदे मिलेंगे, चाहे स्वास्थ्य में ले लिया जाए या फिर रोज़गार में ले लिया जाए, दोनों ही क्षेत्र में काफ़ी फायदे हैं। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो नक्सलवाद यहाँ पर काफ़ी बड़ा मुद्दा है और जवानों को काफ़ी यहाँ नुकसान पहुँचता है। अगर किसी गोली लग जाती है तो जगदलपुर तक पहुँचते बीच में उनकी मौत हो जाती है, अगर रायपुर रिफ़र किया जाता है तो बीच में दम तोड़ देते हैं। अगर यह हवाई सेवा शुरुआत होती है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी फायदा मिलेगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आश्वस्त किया कि कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 9 लोगों के सैंपलों की जांच की गई है, सभी नेगेटिव आए हैं। इसके बावजूद उन्हें 28 दिनों तक एहतियाती तौर पर सार्वजनिक स्थलों पर ना जाने की सलाह दी गई है। ऐसे लोगों पर प्रशासन नजर भी रख रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस को लेकर सभी तरह की एहतियात बढ़ती जा रही है। सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा कर प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों में सजगता और सतर्कता बरतने के लिए निर्देश भी दिए। इस इलाके में ज्यादा लोगों के सर्दी खांसी से पीड़ित होने पर उन क्षेत्रों में पहुंचकर जांच करने का सुझाव भी दिया। सिंहदेव ने विदेशों और दूसरे राज्यों से आए लोगों पर नजर रखकर सर्दी खांसी के लक्षण दिखने पर जांच कराकर होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए। चिंता वाली गंभीर चिंता भी नहीं, चिंता वाली भी ऐसी कोई अभी स्थिति सामने नहीं आई है। सजग और जागरूक रहने की सतत आवश्यकता है। एक केस जिसका हवाला आया था कि एक केस रायपुर में आया है और वो या तो सस्पेक्टेड है या वो पॉजिटिव है, वो भी रिपोर्ट नागपुर से आ चुकी है। जो कीनिया से आए थे दुबई होते हुए, उनका मीडिया में आज अखबार में मैंने भी सुबह ही पढ़ा था, तो वो रिपोर्ट आ गई है कि वो भी नेगेटिव है। इसके साथ छत्तीसगढ़ के रिपोर्टेड समस्त केसेस आज दिन तक नेगेटिव आ चुके हैं। सिंहदेव ने सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग के रैपिड रिस्पांस टीम को भी अलर्ट करने को कहा और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपायों और जरूरी सावधानियों का लोगों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर ने बताया कि जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना कर ली गई है। गाँव में मितानिनों और कोटवारों को भी सतर्कता के साथ नजर रखने को कहा गया है। सिवनी में परिवहन विभाग के सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और कई वाहन जब्त किए गए। चेकिंग अभियान में विभाग के अधिकारियों ने सभी वाहन चालकों को दस्तावेज दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सिवनी के लखनादौन में परिवहन विभाग ने वाहन चेकिंग करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इसी के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवेश बाथम के नेतृत्व में लखनादौन के कई मुख्य मार्गों पर वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान धूमा निवासी राहुल शिवहरे की क्रशर से एक JCB और एक डंपर पर कर बकाया होने के कारण जब्त कर लिया गया। साथ ही संबंधित वाहनों के दस्तावेज दुरुस्त रखने के निर्देश भी वाहन स्वामियों को दिए गए। एरिया में हम चेकिंग कर रहे हैं,
पिछले दो दिन में हमने काफ़ी बकाया वसूली इस एरिए में की है। दो ओवरलोड वाहन अभी लखनऊ में जब्त किए हैं, एक जेसीबी जिस पर 1.5 लाख लगभग बकाया था वो अब जब्त हैं। अभी हम क्रेशन में खड़े हुए हैं, यहाँ एक डंपर जिस पर 4 लाख बकाया है और एक जेसीबी जिसमें करीबन 2 लाख से ज़्यादा बकाया है ये जब्त किए। इसके अतिरिक्त भी लगातार चेकिंग चल रही है, मार्च तक जो हमें टारगेट मिले हैं राजस्व वसूली के उनको हम पूरा करेंगे। और ऐसे वाहन, मैं वाहन स्वामियों से बोलूँगा, ऐसे वाहन जिन पर कुछ टैक्स बकाया है या कुछ कमी है उनको पूरा करें, टैक्स समय से जमा करें जिससे असुविधा किसी भी वाहन मालिक को ना हो। पंखाजूर में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि मानो कांग्रेस के लिए कोई खजाना खुल गया हो। विधायकों की देख रेख में आंगनबाड़ी भवन निर्माण में भी जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष संत राम सलाम ने कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। आप पार्टी ने आरोप लगाया कि कोयली बेड़ा के तुरसानी ग्राम पंचायत में खुलेआम घटिया ईंटों से नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो विधायक अनूप नाग के संरक्षण में किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा मनमर्जी निर्माण स्थल में ही रेत सीमेंट का अमानक ईंट बनवाई जाती है और तुरंत उसका उपयोग किया जाता है। सरकारी मापदंडों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अध्यक्ष ऋषिकेश मजूमदार ने कहा कि कांग्रेस के लोगों के लिए जैसे खजाना ही खुल गया हो। नीचे से ऊपर तक सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। पंडारी में जो आंगनबाड़ी भवन निर्माण हो रहा है वो घटिया ईंटों से निर्माण हो रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और आम आदमी पार्टी चाहता है कि दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसका जिम्मेदारी शासन प्रशासन पे रहेगी। रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने 2 महिला पुलिस कर्मियों को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। बताया जा रहा है कि महिला पुलिस कर्मियों ने एक मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की मांग की थी, जिसकी सूचना मिलने पर लोकायुक्त ने ये कार्रवाई की है। रीवा में लोकायुक्त पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें महिला पुलिस स्टेशन में पदस्थ 2 महिला पुलिस कर्मियों को एक मामले को रफा दफा करने के लिए 30,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता राधा साकेत के बेटे अतुल के खिलाफ शिकायत के एक मामले को रफा दफा करने के लिए महिला होमगार्ड सैनिक रमा साकेत और महिला प्रधान आरक्षक सुषमा तिवारी ने 30,000 रुपये की मांग की थी। लोकायुक्त ने महिला पुलिस थाना कार्यालय रीवा में शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये लेते हुए इन्हें रंगे हाथों पकड़ा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की। रीवा SP आबिद खान ने जिस महिला थाना में ये कार्रवाई हुई है वहाँ की महिला थाना प्रभारी कल्याणी पाल को लाइन अटैच कर दिया है। आके यहाँ झूठी रिपोर्ट चलने के बाद जिसके कारण यहाँ से डरा धमका के बोले कि ऐसा ऐसा कर देंगे तुम्हारे साथ, ऐसा केस कर देंगे कि तुम्हारे साथ भाई की 20 साल सजा होगी प्लस फांसी भी हो सकती है। यहाँ आपके भाई इतने 30,000 रुपए की जुगाड़ करो, केस को रफा दफा कर दे। 3 तारीख को यहाँ पे लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी श्रीमती राधा साकेत द्वारा कि मेरे बेटे पे कोई वहाँ पे शिकायत कर दिया है महिला थाने में और वहाँ पे बुला रहे हैं और मुझसे 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है कि 30,000 रुपये दोगे तो तुम्हारे मामले को बेटे के जो शिकायत है उसको रफा दफा कर देंगे। इस बात की शिकायत पे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने संज्ञान लेते हुए इसका सत्यापन करवाया। सत्यापन में जो रिकॉर्डिंग कराई उसमें क्लियर हुआ कि हाँ ये पैसे की मांग की गई है, रिकॉर्डिंग में स्पष्ट आया है। और जिसकी ट्रेप कार्रवाई आज अरेंज की गई और आज जो अनावेदिका है रमा साकेत और सुषमा तिवारी को आज पैसे उन्होंने लिए हैं और उनके पास से बरामद हुए हैं, उनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, उन पे कार्रवाई की जा रही है। एक घूसखोर राजस्व निरीक्षक को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला छतरपुर के बड़ा मलहरा का है। बड़ा मलहरा तहसील परिसर में लोकायुक्त पुलिस सागर की टीम ने राजस्व निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दरअसल राजस्व निरीक्षक मान सिंह मरकाम किसान बारेलाल से जमीन का सीमांकन करने के एवज में 17,000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत किसान ने लोकायुक्त पुलिस सागर से की
और आज तहसील परिसर में लोकायुक्त पुलिस ने आरआई मान सिंह मरकाम को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अभी तक बारेलाल प्रजापति द्वारा 3 तारीख को शिकायत की गई थी कि उनकी और उनके परिवार की जमीन की तरमीम होना था, जिसके लिए उसने आवेदन कर रखा है और उस तरमीम करने के एवज में जो है आरआई जो है मान सिंह मरकाम द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसको तस्दीक किया गया सही मामले पर। आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की और 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए आरआई हनुमान सिंह और मरकाम को पकड़ा है। ग्वालियर की सबसे बड़ी महिला परिधान के कारोबारी फर्मों पर स्टेट जीएसटी की टीमों ने छापेमार कार्रवाई की है। आवत राम साड़ी, आवत राम सन्स, अनिल ब्रदर्स सहित एक ही परिवार की चारों फर्मों को कार्रवाई के घेरे में लिया गया है। मोर बाजार स्थित आवत राम के आलिशान मॉल में इन फर्मों के अलग अलग प्रतिष्ठान हैं। ग्वालियर के सबसे बड़े आवतराम एंड सन्स पर स्टेट जीएसटी की टीमों ने छापेमार कार्रवाई की। आवतराम साड़ी, आवतराम सन्स, अनिल ब्रदर्स सहित एक ही परिवार की चारों फर्मों को कार्रवाई के घेरे में लिया गया। मोर बाजार स्थित आवतराम के आलिशान मॉल में इन फर्मों के अलग अलग प्रतिष्ठान हैं। इसमें साड़ी, लहंगा, शूटिंग शर्टिंग का बड़ा कारोबार है। प्राथमिक पड़ताल में सामने आया है कि इन एक ही परिवार की चारों फर्मों का कारोबार तकरीबन 60 करोड़ सालाना से ऊपर का है। 60 से ज्यादा स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने फोर्स व गार्डों के साथ प्रतिष्ठानों से लेकर रतन कॉलोनी और बसंत विहार स्थित घरों पर भी घेराबंदी की। स्टेट जीएसटी के एंटी इवेजन के उपायुक्त यूएस बैस के निर्देश में उपायुक्त मिक्की अग्रवाल के नेतृत्व में आवतराम एंड सन्स की चारों अलग अलग फर्मों पर कार्रवाई की गई। चारों फर्मों का टर्नओवर 60 करोड़ से ज्यादा का पता चला है। चूंकि यह शहर की नामी गिरामी फर्म है और कारोबार भी बड़ा है, तो स्टॉक, बिल, सेल, पर्चे सभी का बारीकी से मिलान किया जा रहा है। इन चार फर्मों में एक फर्म गांधी मार्केट में शूटिंग और शटिंग की है। रायगढ़ में शराब से भरे एक ट्रक का ओवरलोडिंग होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद ट्रक में भरी शराब की लूट मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट की वारदात को रोका है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लूट का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। रायगढ़ में चक्रधर नगर में शराब दुकान के लिए शराब सप्लाई करने वाला ट्रक ओवरलोड माल लेकर जा रहा था, तभी ट्रक रेलवे ओवरब्रिज से टकरा गया और ट्रक से शराब की बोतल गिरने लगी। शराब की बोतल गिरते देख आसपास के लोगों में शराब की लूटमार मच। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और लूट की घटना को रोक दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।